चीते की चाल, बाज की नजर और एसएससी कोर की इन्फॉर्मेशन पर डाउट नहीं करते। पहले भी ये चीज मैं बोल चुका हूँ, एसएससी सीजीएल 2022 में कितनी वैकेंसीज आएंगी ये क्लियर कर दिया था, कंफर्मेशन भी डाला था आपके साथ, टेलीग्राम पर शेयर किया था। मैं हेमंत गुप्ता आपके साथ इस वीडियो में दोबारा से ये चीजें शेयर कर रहा हूँ कि जो वैकेंसीज हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज हैं डिपार्टमेंट वाइज। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है? तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि आपको चीजें समझ आए कि वैकेंसीज कितनी रहेंगी और डिपार्टमेंट वाइज क्या इंक्रीमेंट हुआ है उनके अंदर। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू, ठीक है? इस वीडियो में हम जो देखेंगे डिटेल डिस्कशन, वो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, स्टेट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज ये देखेंगे। और एक आरटीआई लगाई थी जिसमें ये जवाब मिला कि वैकेंसी जो है एसएससी ऑलरेडी 20,000 अपनी वेबसाइट पर बता चुका है और इनको इंक्रीज करने का प्रपोजल है, और इंक्रीज करने का ही प्रपोजल गया हुआ है डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर, जिसके अंदर एसएससी आता है। यहाँ से ये कंफर्मेशन मिल चुका था ऑलरेडी, मैं बहुत टाइम पहले जब ये गया था 17 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को ये चीज़ आपके साथ हमने शेयर कर दी थी कि वैकेंसी जो है पीएससी की डबल हो गई है। वही आपको जब डीओपीटी की पोर्टल पर वो आया और अपलोड होके जो 10:43 पर शेयर करा, वो आप देखोगे इसी वीडियो में। अब हम कैटेगरी वाइज भी शेयर करेंगे और मुंबई की भी वैकेंसी आ गई वो भी शेयर करेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा भटक रहे हो इधर उधर, उन्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा क्या करना है। गाइज देखिए, इंस्पेक्टर्स ने एक बुक निकाली है जिसका नाम है लर्निंग वो एसएससी मैथ्स निचोड़ करके। इसमें क्या किया है इन्होंने, सारे के सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके डाला है जो टीसीएस के, और अब 2200 क्वेश्चन हैं इस किताब के अंदर। आपको 10,000 क्वेश्चन की करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एसएससी में अब सिर्फ 30 ही क्वेश्चन आने हैं मेंस में, तो वाई चूज या वाई डू 10,000 क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो ना, करना फिजिबल है। 2-3 महीने में रिकमेंडेड है कि 2200 क्वेश्चन देखो ताकि उन्हें रिवाइज भी कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो। तो रिवीजन भी करनी है आपको, प्लस आपको क्वेश्चंस हर टाइप के कवर करने हैं। तो सीजीएल के 2018 से 22, सीजीएल टीयर 2 के, सीएचएसएल टीयर 1 के, सीपीओ के, एमटीएस के सारे इस बुक में कवर्ड है टीसीएस के। और इम्पोर्टेंट और वैरायटी क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है एक ही टाइप के बहुत बार रिपीट करें, तो आप वो कहीं से भी प्रैक्टिस कर लेना। सॉल्यूशन इम्पोर्टेंट है, गोल क्या है इस बुक का कि 190 प्लस आपके मेंस में आए, और जो अब नया पैटर्न है उसके हिसाब से आपके लगभग लगभग अगर देखा जाए 90 नंबर आप मेंस में मैथ में 90 से 90 कर पाओ, ठीक है? और पूरा क्वेश्चन जो प्री में है वो भी अटेम्प्ट कर पाओ। आइडिया यही है कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है तो सारे क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और क्वेश्चंस का मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कुछ टफ क्वेश्चंस है हो सकता है मैथ में इस बार इंक्लूड कर ले, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले ही हैं। तो इनके जो ट्रिक्स हैं, जैसे स्टार वाला क्वेश्चन हो गया, सर्कल हो गया आपका स्क्वायर के अंदर, ये सारे आपको बेहतरीन सॉल्यूशन से इस बुक में प्रोवाइडेड है। तो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम पर क्विक रिवीजन के लिए भी आप इसमें से क्वेश्चन करते जाओ पहले, और उसके बाद लास्ट टाइम इसे एक बार और देख लेना। 2200 क्वेश्चन आप 3-4 दिन में देख लोगे जब रिवाइज करोगे, तो ऑलमोस्ट सारे अपडेटेड और आपके कोई भी वैरायटी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है? तो जैसा अब हमारे पास आरटीआई का जवाब आया, मैं उसकी डिस्कशन करूंगा। आरटीआई में आपके प्रिवेंटिव ऑफिसर की मुंबई में बताई 79, एग्जामिनर में 300, ये आरटीआई मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर करी थी। तो टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक है आपका एसएससी कोर 123, ये इंस्टाग्राम का है। और 300 जो आपकी एग्जामिनर की है वो ओनली मुंबई से है, तो एग्जामिनर बहुत सारे आ रहे हैं। एक बार मैंने पहले बोला था कुछ टाइम पहले कि एग्जामिनर का प्रमोशन हो गया अप्रेजर पोस्ट पर, बहुत अच्छी पोस्ट है, 4 साल में आप अप्रेजर बन जाते हो, यानी 4800 ग्रेड पे, वर्कलोड मिनिमम होता है और काम सिर्फ कार्गो की एग्जामिनेशन और मिसलिनियस छोटा मोटा काम होता है। तो बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है और इसकी बहुत सारी वैकेंसीज है इस बार, तो अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए आपको। पीएएसए पोस्टल असिस्टेंट की मैं ऑलरेडी बता चुका था एक वीडियो में कि 19,676 हो रही है, जो भी वैकेंसी स्टेट वाइज है इनको डबल कर लो, ये डीओपीटी ने ऑर्डर दिया था उसमें डबल के थे और ये जल्दी आपको देखने को मिलेगी, दैट इज़ कन्फर्म। और अगर मॉक टेस्ट ले रहे हो तो 270 रुपये का हो गया है लास्ट मंथ में, प्री के लिए खींच के कर लो मॉक टेस्ट, जितने करने हैं जान लगा दो, आग लगा दो, मैं तो ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट ये जिससे आपका स्कोर बढ़ेगा। एक दिन में 2-2 करो, पूरा एनालाइज करो उसको, उसकी मिस्टेक्स को कैलकुलेट करो, लिखो उन्हीं क्वेश्चन के टाइप को, रिपीट करो। मुझसे काफ़ी सारे कैंडिडेट पर्सनली पूछ रहे, तो मैं यही उनको एडवाइस दे रहा हूँ, यही आपको एडवाइस दे रहा हूँ, बिकॉज यू आर नाउ माई फैमिली। तो 2000 जो है वो आपको इसमें क्वेश्चन सारे के सारे मिल जाएंगे, 226
लेटेस्ट पैटर्न मॉक्स हैं, एक के अंदर 100 हैं, तो लगभग 2260 2000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 1148 मॉक हैं, ये नए वाले पैटर्न पर है, तो आप लगा सकते हो। मेंस के भी आपको लेटेस्ट मिल जाएंगे, बचत वाला शॉर्ट चल रहा है, तो आपको वैसे प्राइस 399 होता है, फिर 299 होगा, पर अगर आप हमारा कोड यूज़ करोगे CORE, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोर कोड लगाते ही आपको 10% ऑफ यानी 270 रुपये में, यानी कि आपको 1 रुपये से कम भी साल का पड़ेगा, बहुत अच्छा है, एक दिन का पावर प्ले, ये आप लगा लेना, सेल चल रही है, ठीक है। और इसके अंदर जैसे मैंने बताया 296 है, हर रीजनल लैंग्वेज में होगा, SSC के लिए अब तक के लिए बेस्ट है, अभी तक जो है टेस्ट बुक का, इसमें आपको लेटेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर मिल रहा है, लीडर बोर्ड जनरेट हो रहा है, तो आप लिंक जाके क्लिक करके आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके पास खरीद सकते हो, ठीक है। जो मैं बात करूँ GST स्पेक्टर की वैकेंसी और कस्टम्स की, तो वैसे 1717 वैकेंसीज हैं GST की, और टोटल कस्टम्स की भी जो आप देखोगे एग्जामिनर की 700 हैं, तो उसमें लगभग 372 तो मुंबई कस्टम से है, जिसमें 300 एग्जामिनर की है, और चेन्नई कस्टम से हैं आपकी एग्जामिनर की 166, यानी आप देखोगे कि लगभग 466 ही है, मतलब आपकी विशाखापट्टनम और जगह से भी आ रही है, कुछ जगह की डबल होगी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्टेट वाइज अभी ये है, कुछ जगह की डबल होगी ज़रूर, 900 की 1800 ऐसे ही नहीं होंगी वो GST वाली, ठीक है। तो प्रपोजल ऑलरेडी जा चुका है और ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है, मैंने कन्फर्म बोला है वो भी कन्फर्म है। यार देखो क्या है, कोई भी चीज़ है हम उसको थोड़ा सा लेके चलते हैं, बट मेरे हिसाब से और जो मेरे समझ जाओ और उसके हिसाब से कन्फर्म है, ठीक है। तो ये आपकी जो वैकेंसीज है 4800 4600 और 4200 ग्रेड पे की, वो ये है, ठीक है, 4800 4600 4200, किसी ने कंपाइल करके हमारे साथ शेयर किया था ग्रुप पे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लगभग 8183 वैकेंसीज हैं सारे के सारे डिपार्टमेंट की, आप देख सकते हो इसमें इंक्लूडेड है, यानी बहुत अच्छा है, वरना ये 4-5 हज़ार ही होती थी, तो ये भी बहुत अच्छा है कि आपको डबल और इतनी सारी देखने को मिल रही है, 4600 4200 बहुत इंस्पेक्टर लगेंगे गाइज इस बार, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, ये सारी की सारी कैटेगरी वाइज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये GST स्पेक्टर की है, ये आपकी एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर की है, ये सारी की सारी आपको मिल जाएंगी पहले वाले चार्ट से, इनको देख लेना किस पोस्ट की आपके साथ ये शेयर करी जा रही है, PSA की है, कैटेगरी वाइज ये है, ठीक है। और ये बाकी की पोस्ट जो बची है उनकी है, तो सारी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। ASO रेलवे की डबल हो चुकी है 86, CG अकाउंटेंट की डबल हो चुकी है, धीरे धीरे सारी डबल हो जाएंगी, एक्सेप्ट होती जा रही है, इसलिए मैंने बोला कन्फर्म, ठीक है, दिस इज अ हिंट जो मेरे से बार बार पूछ रहे हैं। और ये है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, जो सीनियर TA की पोस्ट है, उसकी सीनियर TA की वैकेंसीज जो है वो लगभग 708 है, जो हमने बहुत पहले शेयर करी थी, वही आपको DAPT के अप्रूवल में दिखी, ठीक है। ये भी स्टेट वाइज मैंने शेयर कर दी, दिल्ली टारगेट करने वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है, डायरेक्ट 4-5 साल में इंस्पेक्टर बन जाओगे, ठीक है। ये है आपकी इनकम टैक्स की इंस्पेक्टर की, ये 225 थी, अब ये 450 हो गई है, लगभग डबल कर लेना इन्हें भी, तो जो दिल्ली टारगेट कर रहे हैं 4 की जगह 8 हो जाएंगी, जो चंडीगढ़ टारगेट कर रहे हैं 9 की जगह 18 हो जाएंगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ऐसी टैक्स असिस्टेंट की है, तो पूरी तैयारी के साथ मेहनत करो, जी जान लगा दो, सब कुछ छोड़ के अब एक महीने प्री निकालने पे फोकस करो, प्री की कट ऑफ की वीडियो बना दूंगा, कितना टारगेट स्कोर रहेगा, मेंस की बना चुका हूँ ऑलरेडी, जो 310-320 पे आएंगे वो तो डेफिनेटली 4600 होम स्टेट ले जाएंगे, उससे नीचे वालों की भी एक और बार एनालिसिस करके देंगे, और CJ21 की मैं देखता हूँ, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, Tier 3 के बाद इट वुड बी वेरी बेस्ट कि आप उस एनालिसिस को देखें, अभी फालतू में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वेट फॉर द Tier 3 रिजल्ट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक इट।